हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज जो आप लोगों के लिए है और जिसमें हम अपकमिंग ऑल टीचर एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जो हमारी रहेंगी जीके स्पेशल जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड, जो अपकमिंग ऑल टीचर एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करेंगी। और ये फर्स्ट एज अ इंट्रोडक्शन रहेगा कि एक्चुअल में जो जीके है, सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का पार्ट है, जो पोर्शन है, वो कौन कौन सी चीजों में डिवाइड हुआ है। फिर हम ज्योग्राफी भी लेंगे, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ जीके के कंटेंट को कवर करेंगे। बस आप लोगों का लाइक सपोर्ट चाहिए ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इम्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी लिंक से जुड़े और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारत है वो तीन हिस्ट्रियों के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसे हम एज अ ओल्ड हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और लास्ट में जो हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो उन सबके बिहाफ पर कौन कौन सी चीजें डिवाइड हुई हैं, तो उन सबको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। उससे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि हिस्ट्री को टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है। वैसे तो हालांकि जो हिस्ट्री है वो थ्री पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। बट टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, टाइम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को हिस्ट्री का याद रखना है। टाइम के अकॉर्डिंग भी इतिहास, यानी कि हमारी हिस्ट्री को बांटा गया है, और वो किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, ईसा मसीह के जन्म के बाद और जन्म से पहले, ठीक है। ईसा मसीह हैं हमारे, ठीक है, तो उनके जन्म के बाद के टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद रखना है, और जन्म से पहले वाले टाइम को याद रखना है, बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट, और एडी यानी कि आफ्टर डेथ, जिसे एनो डोमेनी के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारा, जो हमारा बीसी है उसे बिफोर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व, इनके आने से पहले, यानी कि ईसा मसीह के आने से पहले, बिफोर यानी कि आने से पहले, और आफ्टर के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। वैसे तो फुल फॉर्म याद रखनी है, और ऐसे हमारा नॉर्मली आप कॉमन सी लैंग्वेज में आफ्टर याद रखेंगे तो जिससे बन जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट पता चल जाएगी। तो इनके जन्म से पहले जो चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और जन्म के बाद जो चीज़ें हुई हैं उनको डिवाइड किया गया है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा बिफोर क्रिस्ट वाला जो टाइम चला है वो हमेशा उल्टा चला है, यानी कि अगर आप लोगों के सामने कंटिन्यू हो जाता है ऐसा, सबसे पहले तो हिंदी में भी बता दूं मैं इन्हें, बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट को ईसा पूर्व कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ईसा पूर्व, और इसे बोला जाता है ईसवी, ठीक है, ईसवी कहा जाता है इसे, और इसे ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट से रिलेटेड एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है कि इसका जो टाइम पीरियड है ये हमेशा उल्टा चला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, इस तरीके से इसे इस तरीके से चलाया गया है, ये हमेशा इस तरीके से चला है, मतलब हालांकि है तो ये सीधा, मतलब चल तो रहा है इस तरीके से, बट ये कहीं ना कहीं ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और जो एडी वाला टाइम है वो हमेशा सही तरीके से चला है, जैसे नॉर्मली हमारा टाइम अब चल रहा है उस तरीके से, जैसे अगर यहाँ पर मैं 401 लूंगी तो यहाँ पर 402 हो जाएगा एडी, इस तरीके से हमारा क्या चला है, एडी का टाइम पीरियड। और बीसी का जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चला है, 23 से 22, 22 से 21 ऐसा टाइम चला है। तो इस तरीके से भी जो हिस्ट्री है वो डिवाइड है। तो आई थिंक अगर आगे कुछ चीजें आ जाए तो आई थिंक उसे आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि ये कैसे हो गया। जैसे ये देखिए, ईसा पूर्व दे रखा है, अभी मैंने ईसा पूर्व में क्या बताया कि 323 से 22, यानी कि उल्टा चलेगा, अब यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है, देखिए 1000 से 600 आया है, इस तरीके से ये कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कहीं ना कहीं आप लोग भूल ना जाए इस चीज को, और आप लोगों के माइंड में ये क्लियर रहे ये बात, ठीक है। अब चलते हैं कि प्राचीन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन भारत जो है हमारा ओल्ड हिस्ट्री, वो कौन कौन सी चीजों में डिवाइड है, और ये या जितनी भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट होगा वो पांच चीजों में डिवाइड है। पांचों के सब टाइटल हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके टाइटल दे रखे हैं, मतलब कि सब टाइटल दे रखे हैं, जैसे भारत में आर्यों का भौतिक और सामाजिक जीवन,
उत्तरकालीन वैदिक युग में आर्थिक और सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल जो ईसा पूर्व के अकॉर्डिंग रहा है, बीसी से रिलेटेड रहा है, आर्यों का आगमन ये रहा है। दूसरा पॉइंट आ जाता है पूर्व मौर्य। पूर्व मौर्य का शासन भी हमारा ओल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही इंक्लूड होता है और ये ईस्वी के अकॉर्डिंग है। देखिए मतलब कि आफ्टर डेथ इसे कॉमन लैंग्वेज में कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है आफ्टर डेथ, बट इसका जो फुल फॉर्म है एनो डोमिनी होती है, ठीक है, और एनो डोमिनी के अकॉर्डिंग बोला जाता है इसे। और इट मीन्स ये ईसा मसीह के डेथ के बाद का टाइम पीरियड बोला जाता है इसे, तो ऐसे बोलते हैं। और वो चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, बीसी यानी कि उसमें उल्टा टाइम चलता है और इसमें सीधा टाइम चल रहा है, जैसे 78 के बाद, इस तरीके सीक्वेंस वाइज। अब देखिए पूर्व मौर्य को भी एज अ सब टाइटल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। महाजनपद है, सातवाहन का युग है, मगध का साम्राज्य है, जनपद और महाजनपद है, कनिष्क कुषाण राजवंश है, मध्य एशिया संपर्कों का प्रभाव है, मौर्य युग के पूर्व विदेशी आक्रमण के अकॉर्डिंग है ये हमारा दूसरा आ गया पॉइंट जो एज अ किस में रिलेटेड है, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत की हिस्ट्री। फिर है इसी में ओल्ड हिस्ट्री में ही इंक्लूड है हमारा मौर्य शासन, मौर्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई हैं, अशोक भी थे यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। और ये देखिए बिफोर क्रिस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ईसा पूर्व के अकॉर्डिंग है ये, इनके जन्म से पहले के टाइम पीरियड को इंक्लूड करता है ये, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। मौर्य और अशोक द ग्रेट के बारे में इसमें क्लियर किया गया था, एक्सप्लेन किया गया। फिर है गुप्ता या गुप्त राजवंश के अकॉर्डिंग, जो डायनेस्टी थी गुप्त राजवंश के अकॉर्डिंग, इसमें देखिए ये कंटिन्यू चला है 9वीं सदी से 12वीं सदी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है तो शायद उससे आप लोग समझ जाएंगे, जो सेंचुरीज हैं उसके अकॉर्डिंग, एडी एंड बीसी के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। इसमें हमारी दिल्ली सल्तनत और भारतीय प्रायद्वीप में गुप्त के राजवंश के अकॉर्डिंग, दिल्ली सल्तनत, गुलाब वंश का शासन, चोल साम्राज्य, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष, गुप्त काल के बाद आर्थिक सामाजिक और मंदिर वास्तुकला। तो ज्यादातर याद रखना कि गुप्त वंश में ही इन सब चीजों को कंटिन्यू किया गया था, जितनी भी डिजाइंस बनी हुई है मॉन्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। चोल चेरा और पांड्या राजवंश, चोल राजवंश जो 9वीं सदी से 12वीं सदी के बाद के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। फिर है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन काल के बारे में बताया गया, तराइन जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में, और चोल राज्य जिसमें प्रशासन कला और वास्तुकला के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये प्राचीन काल यानी कि प्राचीन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत के अकॉर्डिंग, मध्यकालीन इतिहास जो कब से लेकर कब तक चला, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चला। वर्तमान भारत के विकास में इसके मध्यकालीन भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस दौर में भारत के भवन निर्माण, चित्रकला, धर्म, भाषाएं, साहित्य के रूप में बहुत विकास हुआ। इसलिए मध्यकालीन भारत को 5 मुख्य भागों में, जैसे पाल परिहार, राष्ट्रकूट, राजपूत, धार्मिक आंदोलन, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में बांटा गया है। इट मीन्स जो हमारा जो अब जो भारत है ये कहीं ना कहीं मध्यकालीन से स्टार्ट हो गया था, मतलब जो विकसित, जो एज अ बोल सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हुई भारत में, और ये मध्यकालीन से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगी मध्यकालीन भारत के अकॉर्डिंग पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, प्रांतीय राज्यों का उदय यानी कि राजपूत वंश के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी इसी में आया था, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट और शासकों के बारे में भी इसी यानी कि मध्यकालीन में ही आया था, धार्मिक आंदोलन, मीराबाई कबीर और गुरु नानक जी भी इसी मतलब मध्यकालीन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हुए थे। ईस्वी के अकॉर्डिंग देखिए, ईस्वी यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था ईस्वी किसे कहा जाता है, एडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है एडी में, मैंने बोला था कि सॉरी एडी के अकॉर्डिंग बोला था कि जो टाइम पीरियड है वो हमेशा सीधा चलता है और बीसी में हमेशा जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चलता है। इसको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि शायद आपको क्लियर हो जाए ये बात। देन है हमारे सामने दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल के दौरान छोटे राज्य हो गए, भारत पर तैमूर का आक्रमण, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, बहलूल लोधी, लोधी वंश के पतन के कारण खिलजी, दिल्ली सल्तनत के दौरान आर्थिक स्थितियां, महमूद गजनबी, ये सभी इसी टाइम पीरियड पर इन्होंने अपने आक्रमण और जो भी शासन किया था तो इस टाइम पीरियड पर किया था।
मुगल साम्राज्य में देखिए बाबर और शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहजहां, महान अकबर के बारे में भी इसी टाइम पर कंटिन्यू हुआ था। तो ये सब सीक्वेंस वाइज है, याद रखेंगे ये सब सीक्वेंस वाइज है। अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के बारे में भी आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। तो ये टाइम पीरियड कंटिन्यू चला है। अब देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न भारत है वो कैसे बना। मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखिए इसमें, इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसमें क्या पता लगता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई घटना क्यों घटी है और उसके क्या परिणाम निकले और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो हमारा भारत है, जो आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहा था, वो ज्यादातर आधुनिक भारत से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर जब मध्यकालीन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी तब तो इतना नहीं था। जो ब्रिटिश सरकार थी वो उस टाइम पर नहीं आई थी, बट वो 1600 के बाद बहुत सारी चीजें कंटिन्यू होती गई, तो वो सदी आधुनिक भारत में ही कंटिन्यू होती है। अब देखिए आधुनिक भारत में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। भारत जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन और मराठों का उदय हुआ, उसके बारे में। मुगल उत्तराधिकारी शिवाजी, मराठा प्रशासन, मराठा के अधीन पेशवा शिवाजी के उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग। फिर है आधुनिक क्षेत्रीय राज्यों का उदय, और मतलब जब भारत पर राजाओं का शासन खत्म हो गया तो स्टेट्स बनी, तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग पंजाब, राजपूत, मैसूर, अवध, बंगाल, हैदराबाद, इन सब का नाम दिया गया। और कहीं ना कहीं उस पर भी राज हो रहा था, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हुई रही थी, तो ये याद रखना है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। फिर है आधुनिक भारत में ये भी चीजें कंटिन्यू हुई, बक्सर की लड़ाई, सहायक संधि। और कहीं ना कहीं हम ऐसे सोचते थे, इट मीन्स अगर मैं अपना ओपिनियन भी बताऊं तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये सारी के सारी जो बक्सर की लड़ाई है, सहायक संधि है, ये सब बहुत ओल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आती होंगी, बट नहीं, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। कहीं ना कहीं 1600 के बाद जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, ये बहुत सारे एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये कंटिन्यू होते हैं। और 1800 सदी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलती हुई हैं, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था DSSB में लास्ट ईयर 2018 में, वो भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं DSSB में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, याद रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की जो लाइव क्लास रखूंगी मैं 10 PM पर, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को ही कवर कर रहे हैं। तो होप सो आप लोग लाइव होंगे वहां पर, तो बहुत अमेजिंग क्लास के अकॉर्डिंग अपनी रिविजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत 18वीं सदी के विद्रोह और सुधार के बारे में देखिए। रामकृष्ण विवेकानंद के बारे में इसी टाइम पीरियड पर कंटिन्यू चला। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारा योगदान दिया भारत के विकास या विकसित होने में। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज से रिलेटेड इनकी सारी चीजें हुई हैं, ये पॉइंट सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं पॉइंट मिसिंग लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगी। बस यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आधुनिक भारत जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें कम से कम 32 पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। शिक्षा का विकास यहीं से स्टार्ट हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जो हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सोशल स्टडीज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं। और स्वराज दल है, हाँ बिल्कुल, साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये सारी की सारी चीजें कवर हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में। और अगस्त प्रस्ताव है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं है ये, सुभाष चंद्र बोस, राम गोपालाचारी फार्मूला के अकॉर्डिंग, और कैबिनेट मिशन प्लान, अंतरिम सरकार, संवैधानिक, और माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन। माउंटबेटन योजना इसलिए आई है क्योंकि ये लास्ट हमारे क्या थे, एज अ वाइसराय भी रह चुके हैं और ये कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल भी रह चुके थे भारत के 1947 में, माउंटबेटन। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं यहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही है कि लास्ट 5 मिनट भी हमारे सामने के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। सो ये पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जीके की लर्निंग और प्रिपरेशन की। बस आप लोगों को पॉजिटिव सपोर्ट देना है और कमेंट करके आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, और लाइक सपोर्ट जरूर दीजिए क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत है। सो कीप लर्निंग।
मिलेंगे आज रात की लाइव क्लास के साथ, और कंटिन्यू कीजिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट यूं ही मेरे साथ सभी लिंक के साथ जुड़कर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।